नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बांदा के ग्राम पंचायत सौता कालिंजर में बीजेपी से नारायणी विधायक द्वारा जबरन पुलिस प्रशासन के सहयोग से गरीब किसान की भूमि धरी जमीन पर कब्जा किए जाने और गरीब किसान परिवार को प्रताड़ित किए जाने के मामले को संज्ञान लेकर अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया और स्थानीय थाना प्रभारी से मिलकर पीड़ित परिवार को परेशान न करने की बात कही गई। साथ ही पीड़ित परिवार के साथ न्याय मिलने तक साथ रहने की यादव महासभा पदाधिकारियों ने बात कही। यादव महासभा जिला अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार पर अन्याय करने पर आंदोलन की चेतावनी स्थानीय प्रशासन के साथ साथ वर्तमान विधायक को दी। इस दौरान उपस्थित लोगों में यादव महासभा के साथ काफी लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं देवराज यादव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा बांदा। अच्छा, क्या मामला है, किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं? ये सत्ता की हनक में चूर जो है वर्तमान यहाँ के विधायक स्थानीय इस जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये हरिराम यादव जी का आवास है और ये विगत लगभग 6-7 सालों से यहाँ वो स्थानीय निवास पर निवास कर रहे हैं और सत्ता की हनक में आज विधायक जी जबरियन इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा कि हम लोगों ने गांव का भ्रमण किया, गांव क्षेत्र के लोगों से बहुत सारी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि वास्तव में वर्तमान विधायक जबरियन इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जो सरासर अन्याय और ये उत्पीड़न है यहाँ के स्थानीय लोगों का। हरिराम यादव जी से के परिवार से भी मिले, परिवार के लोगों का, महिलाओं का रो रो करके बुरा हाल हो गया है कि इस कमजोरी हालत में आज वर्तमान सरकार के सत्ताधारी विधायक जी द्वारा स्वयं इस जमीन पर कब्जा करने का कामयाब जो है अपना कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है और ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसी उदंडता का कार्य उनसे होगा। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो अखिल भारतीय यादव महासभा ये ऐलान करती है कि इस मामले को लेकर के हम लोग शासन प्रशासन के साथ बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी तक यहाँ का ज्ञापन देंगे और इससे भी अगर काम नहीं बना तो अखिल भारतीय यादव महासभा रोड़ों से लेकर के थाने का घेराव करेगी, DM के यहाँ घेराव करेगी और जो है अशोक लाट पर बैठ करके धरना प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होगी। जी भैया, क्या नाम है? जी मेरा नाम एडवोकेट राकेश यादव, जिला संगठन मंत्री अखिल भारतीय यादव महासभा बांदा। जी, किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? आज हम कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने कुछ शुभचिंतकों के माध्यम से ये सुन रहे हैं कि यहाँ पर सत्ताधारी विधायक द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। ये जमीन केवल इतनी ही है इनके पास, इसके पीछे विधायक जी ने जमीन खरीद ली, वो भी पता नहीं किस मंशा से इनकी जमीन कब्जाने के उद्देश्य से, कुछ भी उनका उद्देश्य रहा हो, लेकिन आज ये विडंबना है देश की कि हम विधायक होते हुए जिसको आज क्षेत्र की पूरी जनता ने चुना है, उस विधायक को जिससे हम आशा करते थे कि हमारी यहाँ की भलाई होगी, यहाँ विकास होगा, और वही विधायक आज जिनको रक्षक बोलते हैं वो भक्षक बनने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी निंदनीय बात हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय राजकरण कबीर जी के द्वारा बहुत ही अशोभनीय है और इसके लिए हम उनकी निंदा करते हैं। इसमें हमने, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ, मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, इनकी रजिस्ट्री देखी, इनके दाखिल खारिज के डॉक्यूमेंट देखे, तो सारे सही पाए गए और वास्तव में इनकी जमीन, इनका भूखंड इनके नाम है और इस पर विधायक जबरदस्ती अपने उसके रसूख के दम पर इसको कब्जाना चाहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सहयोग के लिए आपको बताएं, जब स्वयं विधायक ही जबरदस्ती करेगा तो पूरा प्रशासन उनका सहयोग करेगा। ये कहना चाहता हूँ
कि ये पूरा हमारा अखिल भारतीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष और तमाम पूरी हमारी जो संगठन है इन पीड़ित परिवार के साथ है, और हम आखिरी दम तक अगर इनको हल नहीं हुआ, इनका नहीं सुनाई कुछ हल हुआ, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और चाहे हमें जान की बाजी देना पड़े और हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे इनके अगर इनको न्याय न मिले। मैं आपका मेरा नाम डी आर यादव है, मैं अखिल भारतीय यादव महासभा से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूं, और यह जब जानकारी हुई कि पीड़ित परिवार को वर्तमान सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा दबंगई से यह किया जाता है, तो उसकी वास्तविकता की जांच की और वहां जाकर के उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ माननीय मोदी जी और योगी जी की जो मंशा है कि किसी को गरीब को सताया ना जाए, उनकी मदद की जाए, और एक तरफ उन्हीं के सत्ता पक्ष का विधायक यह दबंगई से उनका जमीन कब्जाना चाहता है, तो इन दोनों बातों में विरोधाभास की स्थिति होती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और योगी जी को आगाह करूंगा और पत्र के माध्यम से संबोधन करेंगे और ज्ञापन देंगे कि माननीय आपकी मंशा के अनुरूप ये विधायक जी कार्य नहीं कर रहे हैं, आपकी मंशा के अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए, आपकी छवि खराब होगी, आगामी चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। हम पूरा अखिल भारतीय यादव महासभा न्याय के लिए इस पीड़ित परिवार के साथ तन्मयता से खड़े हुए हैं, और इसकी लड़ाई जहां तक भी हमें लड़ना पड़ेगा हर तरह से बिल्कुल पूर्ण रूप से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मियों का, और इसको निश्चित रूप से आप दीजिए और प्रसार प्रसार करवाइए और न्याय दिलवाने में सहयोग करिए। क्या चाहते हैं पीड़ित परिवार? हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, किसी प्रकार का कोई जबरिया नहीं, और जो दोषी हो उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ कार्यवाही हो।